नमस्कार दोस्तों, पांचवें एसएन दुबे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में वंडर्स क्लब ने आशीष नेहरा एकेडमी को 10 विकेट से रौंदा। सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए आशीष नेहरा एकेडमी ने 10 विकेट से वंडर्स क्लब को हराया। नोएडा स्टेडियम में बुधवार को खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल में सोनेट क्लब ने सैम एकेडमी को आसान जीत दर्ज की। गुरुवार को क्वार्टर फाइनल के दो और मुकाबले खेले गए। पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में आशीष नेहरा एकेडमी ने 82 रन ही बना सकी। क्षितिज नेगी ने 18 और अरिहन ने 16 रन बनाए। वहीं वंडर्स क्लब नोएडा के आयुष राय ने 2 विकेट अपने नाम किए। अक्षय ने 1 विकेट लिया। वंडर्स क्लब ने बिना विकेट खोए ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। रुशिन पांडे ने 37 और इनेश महाजन ने 35 रनों की नाबाद पारी खेली। टीम ने 11वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। आयुष राय मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में सोनेट क्रिकेट क्लब ने 103 रन बनाए और कार्तिकेय त्यागी ने 24 और आदित्य ने 21 रन बनाए। सैम स्पोर्ट्स एकेडमी प्रणय और सत्यम ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। सैम क्रिकेट क्लब की टीम ने महज 71 रन ही बना सकी। रशीद शर्मा ने 31 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया। सोनेट के यश चौधरी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 10 रन देकर 3 विकेट अपने झोली में डाली। वहीं आदि अनेजा ने भी सराहनीय गेंदबाजी करते हुए 3 बल्लेबाजों को आउट किया। सोनेट ने मैच 32 रनों से बड़ी आसानी से जीत लिया। कम स्कोर बनाने के बाद भी कसी हुई गेंदबाजी के बल पर सोनेट सेमीफाइनल तक पहुंचने में काम। मैन ऑफ द मैच सोनेट क्लब के यश चौधरी बने। दुबे जी, आज आप ये टूर्नामेंट जो अभी तक करा रहे हैं, इसमें कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है अदर टीम से, कोचेस से, पेरेंट्स से? नहीं, अभी तक जो कोचेज हैं, पेरेंट्स हैं और खासकर बच्चे हैं, वो बहुत एक्साइटेड हैं ओवरऑल सारी जो व्यवस्था देख के टूर्नामेंट की, और बच्चे अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं और उसी से पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं हमारे। और चूंकि टूर्नामेंट की कवरेज मिल रही है ऑलरेडी यूट्यूब पे, पहले दो मैचेस लाइव हम लोगों ने कराए थे, तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट उसकी वजह से हुआ। फिर हम लोग 93.5 FM पे भी इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी पूरा माहौल काफ़ी अच्छा बन गया है। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके का माहौल जो आप दे रहे हैं, उससे आपको अदर टीम से या उनके जो कोचेज हैं स्पेशली, उनसे कैसा रिस्पांस मिल रहा है जो एकेडमी की? कोचेज खुश हैं इस बात से। कोचेज कहते हैं कि हाँ, वो बल्कि मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप, जैसे ये अंडर 14 टूर्नामेंट है, तो अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 इस तरह के टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है कोचेज ने हमारे को, और हम इस बारे में सोच रहे हैं सीरियसली कि हाँ, कुछ ऐसा किया जाए ताकि जनरली जो बच्चे अच्छे हैं उनको प्रमोट किया जा सके। अच्छा, अभी इस टूर्नामेंट में आपने अदर स्टेट से भी कुछ टीमों को इन्वाइट कर रखा है जो कि इस टूर्नामेंट में खेलेंगी, तो जो वो टीमें आने वाली हैं, उन टीम के लिए क्या खास है इस टूर्नामेंट में जो अदर स्टेट से? उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जो है, जैसे कोई टीम अगर लखनऊ से आ रही है या कोई टीम उदयपुर से आ रही है, तो वहाँ पर लेवल ऑफ क्रिकेट जो NCR के अंदर में है, शायद वो लेवल ऑफ क्रिकेट नहीं है, तो उनको एक्चुअल में क्या है, कम्पीट करने के लिए बहुत अच्छे टीमें मिलेंगी यहाँ पर, और बच्चों की सही मायनों में टेस्टिंग हो पाएगी। उनको पता चलेगा उनको कितना और कवरअप करना है, कितना बेटर अपने आप को करना है कहीं आगे जाके खेलने के लिए, रणजी खेलने के लिए या स्टेट खेलने के लिए या अपने देश के लिए खेलने के लिए कितनी और मेहनत करनी होगी। तो बेसिकली ये टेस्टिंग एक तरह से टूर्नामेंट के लिए रहेगा, और आई होप कि हमें कुछ अच्छे बच्चे भी मिले उनमें से जो वाकई अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा, तो क्या आप लोग, जैसे आपका पियोनियर क्रिकेट क्लब है, जो बच्चे इस टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म करेंगे उनके लिए कुछ आगे करने की सोच प्लान? हाँ, बिल्कुल, जो बच्चे अच्छा करते हैं उनके लिए हम लोग इनिशियली, पहले तो फाइनल्स में बच्चों को रिवार्ड किया जाएगा। हम लोग कुछ एक रिवार्ड्स मैंने बच्चों के लिए रखे हैं, जिसमें क्रिकेट किट्स वगैरह हैं, बॉलिंग के कुछ सामान हैं, साइकिल्स वगैरह हैं, बच्चों को दी जाएंगी। उसके अलावा जो अच्छे बच्चे होंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो वाकई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होंगे, तो उनको हम क्रिकेट की किट्स वगैरह सब चीज़ों से सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरा नाम वसीम राज है, मैं टॉस क्रिकेट अकेडमी का कोच हूँ और लेवल ABCCI लेवल ए कोच हूँ। हमारी एकेडमी राजनगर प्रेसिडियम स्कूल में चल रहा है, और बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और उनको हम प्रमोट कर रहे हैं टॉस क्रिकेट अकेडमी के थ्रू, और दिल्ली NCR के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कराते हैं। अच्छा सर, नोएडा स्टेडियम में आपकी टीम खेल रही है, कैसा लग रहा है? इट्स अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। थैंक्स टू राज भाई एंड पायनियर क्रिकेट क्लब के, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि स्कूल और जो एकेडमी के बच्चे हैं वो यहाँ आके जस्ट लाइक इंटरनेशनल फील ले रहे हैं बच्चे। अच्छा सर, आप BCCI लेवल कोच हैं खुद भी, तो क्या लगता है कि जब BCCI के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए ऐसे स्टेडियम में बच्चों को खेलना कितना ज़रूरी होता है? बहुत बढ़िया है। आजकल अंडर 14 में ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत कम लोगों को मिलता है,
जो किड्स हैं वो बहुत लकी हैं कि वो इस एटमॉस्फेयर में आके यहाँ खेल रहे हैं। आई लाइक से थैंक्स अगेन राज भाई एंड पायनियर क्रिकेट क्लब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और स्पेशली अंडर 14 के लिए टूर्नामेंट कराया। अच्छा, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, वर्क हार्ड, और कोई शॉर्टकट नहीं है क्रिकेट के अंदर। अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, और क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है। स्पेशली अपना फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। विनोद चौहान जी, आज आप अपनी टीम के साथ आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जैसे कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जूनियर लेवल पे इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करना मीन्स मोटिवेशन मिल रही है बच्चों को। और जितने भी यहाँ पे कोचेस आ रहे हैं, बड़े बड़े लेवल के कोचेस आ रहे हैं यहाँ पे अपने अपने टीमों को लेके, जैसे कि NCERT 12 टीमें आ रही हैं यहाँ पे, और भारतीय स्टेट की टीम आ रही है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने सुना था इस टूर्नामेंट के बारे में, उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। मेरा पहला मैच चल रहा है अभी बच्चों का, और काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिल रही है बच्चों को, बच्चे जिस हिसाब से खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोचेस को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि ऐसे ग्राउंड पे, इतने अच्छे एटमोसफेयर पे, इतने बड़े ग्राउंड पे, और बच्चों को जो अचीवमेंट मिल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट ये लोग करवाते रहें और हम हर साल इस टूर्नामेंट। आज आपका पहला मैच है, बच्चों में काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, एनर्जी दिख रही है, तो क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट में बरकरार रहेगी बच्चों में इस तरीके से? बिल्कुल, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, वो देखते हैं कि कहाँ तक बच्चे जाते हैं। बाकी बच्चे अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और एज ए कोच हम भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं बच्चों को आगे तक लेके जाएं। और जिस हिसाब से बच्चों में एनर्जी नज़र आ रही है, तो अपना खेल रहे हैं, बच्चे बेस्ट दे रहे हैं अपना। एज ए कोच एक टीम को कोचिंग देना कितनी जिम्मेदारी वाला काम होता है आप लोगों के लिए? ये तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि हर तरह के बच्चे आते हैं एकेडमी में, तो कोच को हर तरीके से बच्चे को ट्रीट करना होता है। कोई बच्चा थोड़ा वीक होता है, कोई गॉड गिफ्टेड होता है जिसके पास अपना अलग टैलेंट होता है, तो हर तरीके को मैनेज करना होता है। वो तो ऑन ग्राउंड ऑन नेट्स पर पता चल जाता है बच्चों का ज़रूरत की चीज़ है क्या नहीं। अच्छा, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से आगे अपने फ्यूचर को बनाएं, और किस तरीके से क्रिकेट में एक मंत्र देंगे आप कि बच्चों को ये जरूर देखना चाहिए? अपना हार्डवर्क करें, अच्छी तरीके से खेलें, और माइंड में कभी भी डिमोटिवेशन ना हो, ठीक है, मोटिवेशन के साथ खेलते रहें और अपना हार्डवर्क करें बस। अच्छा, बच्चों को मोटिवेशन के लिए क्या टिप देते हैं या क्या मंत्र देते हैं? बच्चों को मोटिवेशन के रिगार्डिंग क्या है कि आप सिक्योर होकर खेलें, अपना कुछ भी इस तरह की चीज़ों को ना करें जिससे कि आप माइंड में ये सोचें कि बस मैं ही प्लेयर हूँ एक्सपायर। जिस तरीके से बच्चों के माइंड में आता है आज स्कोर करा बच्चे ने, तो वो इस तरीके की नहीं सोचना चाहिए कि आज हो गया काफ़ी। एक दिन स्कोर बनाने से कुछ नहीं होता है, अपना हार्डवर्क करते रहो, खेलते रहो, और कभी भी इस तरीके माइंड में नहीं आनी चाहिए थिंकिंग से आज मैं प्लेयर बन गया, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बढ़िया।